भगवान देवर्षि ही नारद यदृच्छया। भगवान देवर्षि नारद ने उन दोनों का कोई भाग्य उदय होने के कारण तत्र देवौ अपश्यत, वहाँ उपस्थित होकर उन दो देव कुमारों को देखा। अब नारद जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब कोई भाग्य उदय हुआ है। भाग्य, भाग्य कहाँ से बनता है? कर्मों से। अच्छे कर्म कुछ जो हैं, अब उसके फलीभूत होने का टाइम आ गया। कर तो कर्म अभी खराब रहे थे, उसका तो फल भविष्य में आना चाहिए, परंतु ये तो कृष्ण के द्वारा बीच में ही मुक्त कर दिए जाएंगे, तो फिर उसका फल आएगा ही नहीं, है ना? वो एक अलग बात है। वर्तमान में जो कर्म हम खराब कर रहे हैं उसका फल भविष्य में आता है, परंतु उसकी नौबत ही नहीं आने पाई इन लोग के साथ में, पहले ही मुक्त हो गए। लेकिन पिछले कुछ पुण्य कर्म थे, उसी का यहां वर्णन कर रहे हैं कि भगवान देवर्षि नारद यदृच्छया। भगवान देवर्षि नारद ने उन दोनों का कोई भाग्य उदय होने के कारण तत्र देवौ अपश्यत, वहां उपस्थित होकर उन दो देव कुमारों को देखा। अब आ गए नारद की नजर में, कृपा दृष्टि पड़ गई। क्षीवाणव, उस समय उन्होंने इन दोनों को नशे में मत हुआ समबुद्ध्यत समझा। क्षीवाणव समबुद्ध्यत, नशे में मत हुआ, समझ गए नारद जी, यहाँ आंखें ऐसे ऐसे घूम रही हैं, एक तो ये नशा है जो मतलब एक्सटर्नल नशा इन्होंने और ले रखा है, ऐसे ही उनको जो मद चढ़ा हुआ है धन का, पद का, युवावस्था का। सारे नशे एक साथ जिनके चढ़ गए हैं, लेकिन भाग्य उदय हुआ, आज फल मिलने वाला है। हे परीक्षित, उसी समय परम पूज्य देवर्षि नारद ने उनकी किसी भक्ति उन्मुखी प्रकृति के फल से वहाँ उपस्थित होकर उन दोनों यक्ष कुमारों को देखा। वे समझ गए कि मदिरा पान के कारण ये मदोन्मत्त हैं। अब देखिए, गुरु तो भेंट हो गई, ऑथेंटिक गुरु कैसे मिलेगा? कॉजलेस मर्सी या कर्म? दोनों या दोनों? दोनों। ठीक बात है। देखिए, स्पिरिचुअल मास्टर मिलने का मतलब है मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। इसका मतलब अभी तक मेरा जीवन आध्यात्मिक नहीं था, आज शुरुआत हो रही है, आज गुरु मिल रहे हैं। अब गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलेगा। अगर हमने श्रवण कीर्तन जल से उसको सींचा, अपने हृदय प्रांगण में उसको बोया और श्रवण कीर्तन का जल निरंतर देते रहे, तो अब ये बीज अंकुरित होगा और आगे चल के ये भक्ति लता बढ़ते बढ़ते भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेगी और फिर उसमें प्रेम का फल लगेगा और उस फल को हम भोग करेंगे। प्रेम रूपी फल जीव भोग करेगा। ठीक है, पुण्य पुंज भी बताया। हाँ, पुण्य पुंज। हाँ, तो पुण्य कर्म थे, क्योंकि स्पिरिचुअल तो कुछ बैलेंस था नहीं, क्योंकि अभी तो आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हुआ था। और बात यहाँ भगवान के मिलने की नहीं हो रही है, भगवान कब मिलते हैं? गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो भगवान की कृपा से गुरु मिल गए। अब भगवान की ये हेतु की कृपा है, अगर हमने कुछ पुण्य किए हैं तो अगर गुरु मिल रहे हैं, तो क्या ये भगवान की हेतु की कृपा मानेंगे या पुण्य कर्म का फल मानेंगे? अहेतु की किस तरह से हुई है?
ये तो मैंने पुण्य किया था, किया तो हमने था, लेकिन अब उनकी मर्जी है कि हमको दे चाहे ना। हमको तो याद नहीं है, लेकिन भगवान को सब याद है। भगवान को सब याद है, तो भगवान को याद रखने के लिए हमने कहा था क्या? नहीं नहीं, प्रार्थना की थी मेरे कर्म याद रखना, देखो आज हम अच्छा काम कर आज हम बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, याद रखना, फिर हमको गुरु भेजना बढ़िया वाला, एकदम सही सही परफेक्ट, ये आपू बापू ना भेज देना जो हमको मामू बनाते रहे ये तो हमने कहा नहीं था। और भगवान को कुछ हम सैलरी दे रहे थे कि याद रखो मेरा? नहीं, तभी तो अहित की हुई, तब भी उन्होंने याद रखा है ना, तब भी उन्होंने मेरे पुण्य कर्मों को याद रखा। कोई वैल्यू नहीं है पुण्य कर्मों की, केवल पुण्य कर्म हो और हमको जो है भगवान मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गुरु तो मिल सकते हैं, क्योंकि मेरी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है वो। क्या बिगनिंग भी नहीं होने, फिर तो कभी बिगनिंग नहीं होगी। अगर केवल पुण्य कर्म से गुरु नहीं मिलते हैं तो मेरी तो बिगनिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्टिंग ही नहीं होगी। इसलिए आप जो पुण्य कर्म हैं अगर आपने किए हैं तो भगवान आपके पुण्य कर्म देखते हैं, अरे बहुत इकट्ठा कर लिया इसने, चलो नारद जी को भेजो, चलो प्रभुपाद जी को भेजो, हाँ भेज दिया, और अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उनको रिसीव करते हो, कितना आज्ञा पालन करते हो। ठीक है, और आज्ञा पालन कर ले गए तो बस आगे बढ़ते चले गए, फिर कौन रोक पाएगा आपको? फिर कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आज्ञा पालन ही नहीं किया तो फिर तो हमारा मन ही कारणम बंधमोक्ष हो, बंधन और मोक्ष का कारण बना जा रहा, फंसा दे रहा हमको। हाँ बिल्कुल होगा, हाँ तभी तो भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया। वो तो परंपरा से ऑर्डर आ रहा है ना, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि तुम क्यों नहीं करते, जाओ पश्चात देशों में जाकर के प्रचार करो, तो परंपरा से आ रहा है। इसका मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज को उनके गुरु कह रहे हैं, उनके गुरु कह रहे हैं, उनके गुरु कह रहे हैं, तो कृष्ण से ऑर्डर चला है ना। गुरु क्या बोलता है, हमारा क्या गुरु है या तारो है देश? तो कृष्ण जो कहा है वही कहना, तभी गुरु परंपरा है, अदरवाइज वो गुरु परंपरा ही नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर कृष्ण से चला है कि मेरा सेनापति है, इसको भेजो विदेश में। ये जो जो लोग मैं जब अवतार लेके आया था ये भाग गए थे अमेरिका मुझसे बचने के लिए ये भाग गए थे, लेकिन मोर सेनापति भक्त जाई बेतहारे, चैतन्य मंगल में श्लोक कोट किया है, मेरा सेनापति भक्त वहां जाकर के फिर इनको पकड़ेगा, हमसे तो बच के चले गए। ये सात समुंदर पार जाओ चाहे तुम कितने समुंदर पार कर लो, ये पहुंच जाएगा सेनापति, कहां जाओगे बच के? प्रभुपाद से, हमसे बच गए ठीक है। भगवान देव कैसे ग्लोरीफाई करते हैं अपने भक्त को कि हमसे तुम बच गए लेकिन मेरे भक्त से ना बच पाओगे, वो पहुंच जाएगा, बचो देखें।